आखिर क्यों हां की मनीष गोइंकर ने रूही और अरमान की सगाई के लिए। इसके पीछे है एक बड़ी वजह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पूरा ड्रामा हुआ, दादी सा ने पूरा अपना खेला खेला और अंत में उनको जीत भी प्राप्त हुई क्योंकि मनीष गोइंकर ने हाँ कह दी और उस हाँ का पूरा फायदा उठाया उन्होंने कि आज की आज सगाई होगी। मगर मनीष की आंखों में हाँ के साथ साथ कुछ और भी था जो आगे की कहानी को हम तक पहुंचाता है। बात करते हैं इसके ऊपर, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभीरा का वहां पे होना और वहीं पे सगाई होना, ये सब इत्तेफाक होते हैं इन प्रेम कहानियों में। मगर यहां पे इस प्रेम कहानी को एक नया एंगल दिया है मनीष गोइंकर की हां ने। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जो लोग दूसरों के एक्सपीरियंस से नहीं सीखते हैं वो खुद एक्सपीरियंस करके ही सीखते हैं। कहते हैं ना कि अपने मौत के अलावा स्वर्ग का पता नहीं चलता, मतलब मरना पड़ता है, अगर स्वर्ग का एक्सपीरियंस करना है तो आपको मरना ही पड़ेगा। तो वैसा सा कुछ आज मुझे महसूस हुआ। मनीष ने बहुत कोशिश की रूही को भी बताने की, समझाने की, अरमान के सामने ये बातें कही ताकि अरमान की भी आंखें खुले कि वो अभीरा को प्यार करता है। मगर ना तो अरमान ने कुछ किया ना ही अभीरा ने। इसी वजह से तो दादी साहब अपनी जिद पूरी कर पा रही है। अब इनकी फीलिंग्स कैसे सामने आएगी अभीरा और अरमान की, क्योंकि जब अभीरा से बात करने के लिए मनीष वहां पे डेस्क पे बैठे थे, पीछे उन्होंने अरमान को बात करते हुए सुना माधव के साथ, जिसमें एंड ऑफ द कन्वर्सेशन यही क्रक्स निकला कि अरमान अपनी फैमिली के लिए ये कर रहा है, उनकी खुशियों के लिए वो ये शादी कर रहा है रूही के साथ और करके रहूंगा वाला करके वो वहां से निकल गया। एक्सपीरियंस्ड मनीष के लिए, जैसे वो हमेशा कोड करते हैं ये आंखें चश्मा जो लगा ऐसे ही नहीं लगा, बाल धूप में सफेद नहीं हुए, उनकी उन आंखों ने समझ लिया है कि अरमान अभीरा से ही प्यार करता है मगर खुद भी नहीं जानता और कहेगा तो कैसे। और अभीरा अरमान से प्यार करती है वो उन्होंने वहीं पे उसी डेस्क पे ऑब्जर्व कर लिया जब अभीरा को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था इस बात पे भी, अरमान हाँ क्यों कह रहा है, मेरा प्यार मुझसे दूर जा रहा है, ये करते करते अपनी मुट्ठी बीचते बीचते उसने अपने जो बैग था उसकी एक तनी तक तोड़ दी, मतलब इतना गुस्सा आ रहा था कि वो खींच दिया उसने, जिसको देखा उन्होंने कि ये टूट गया है, बैग ही टूट गया। तो ये दोनों चीजों को नोटिस करने के बाद उन्होंने वहां पे जाके हाँ कही, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि अभीरा ने कहा है कि आप हाँ कहो, अरमान को लगेगा कि शायद अभीरा की वजह से हाँ कही हो या जो भी हो, मगर ऐसा तो था ही नहीं, कोई बात ही नहीं हुई अभीरा और मनीष जी के बीच में। मगर मनीष जी ने जाके हाँ कही क्योंकि उन्होंने अरमान की बात सुनी और अभीरा के रिएक्शन देखे और उनको ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी, उनकी बात जो उन्होंने कही थी कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं उसको सच होने में बिल्कुल देर नहीं लगी। अब बात यह है कि ये मानेंगे कैसे कि ये एक दूसरे को प्यार करते हैं, और वो तभी होता है जब अपना प्यार अपनी ही आंखों के सामने आपसे दूर जाता है, तब आपको एहसास होता है कि मेरा प्यार जाने वाला है, तब आप अपने वो सारे दरवाजे तोड़ने की कोशिश में होते हो और कर पाते हो, फिर आप अपने प्यार के पास जाते हो। और यही सिचुएशन अब मनीष ने क्रिएट की है अभीरा और अरमान के बीच में, और रूही के भी आंखें खुलेंगी जब ये सब कुछ होगा क्योंकि अरमान अल्टीमेटली अभीरा से ही प्यार करता है और सगाई होने से प्यार तो खत्म नहीं होगा, प्यार तो और बढ़ेगा, और ज्यादा वो अभीरा के करीब होगा क्योंकि अभीरा दूर जा रही है, अभीरा को लगेगा अरमान दूर जा रहा है। तो ये सिचुएशन उन्होंने ये हाँ इसी में की है कि ये तीनों बच्चे अभीरा रूही और अरमान इसी एक्सपीरियंस से सीखेंगे कि प्यार प्यार ही होता है, मजबूरी मजबूरी होती है, और जब मजबूरी में रिश्ते बनते हैं तो बहुत नुकसान होते हैं। तो देखते हैं, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है आज उनकी आंखों से भी, उनकी आंखें जो कह रही थी वो भी, और जो उनके डायलॉग ने कहा कि अब क्या हो सकता है आप कर लो शादी इतनी जल्दी बिना किसी कन्वर्सेशन के, बिना रूही के कहे, वो कैसे मान गए, क्योंकि हमें तो लगा था कि रूही ने कन्विंस किया, मगर रूही को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने अरमान की बातें सुनी, अभीरा की बातें सुनी और डिसीजन सुना दिया कि कर लो शादी।
तो आपका क्या इस तरफ ध्यान गया या नहीं गया बताइएगा कमेंट करके, या मेरे से कुछ सहमत है तो बताइएगा। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।